अच्छा यार, जो होना था वो तो हो गया, गाड़ी शाड़ी लग गई है, कोई मसला नहीं, गाड़ियाँ लगती रहती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गंदी लगी है। फाइनली गाइस वर्कशॉप पे पहुंचे हैं गुजरांवाला। टेफ्रन वगैरह का कोई काम नहीं है, इससे कुछ भी नहीं हो साहब, जितनी मर्जी इस पे लगाओगे ना इससे इससे लीकेज खत्म नहीं होगी। इसके लिए एक खास किस्म का सोल्यूशन होता है जो एयरबीएफटी अपनी। अच्छा, ये वाला आपने लगाया। इसके रिंग को आपने नीचे लगाया, अब इसके ऊपर हमारी ये वाशल आएगी। वाशल आएगी, आप ये देख रहे हैं, आप नीचे। The next day. गुड मॉर्निंग हो गया सबको यार। उन्होंने 12 बजे लाइटें शाइटें सारा चीज बंद कर दिया, उन्होंने कहा भाई निकलो तो हो जो। क्या हुआ? ये दिखा यार, ये गंगा आ गया, ये नाश्ता वाश्ता हमने मंगवा लिया। आज आपका भाई भी जल्दी तैयार हो गया, उठ भी गया, क्योंकि हमने निकलना है गुजरांवाला आगे, एक का टाइम हो गया। तू क्यों हंस रहा है? एक का टाइम हो गया, अगर हम अभी भी निकलेंगे तो हमें 1.5 घंटे लगेगा, क्योंकि जीटी रोड है, मोटर वे जाता नहीं है। तो अगर हम 2 बजे जाके गाड़ी देंगे, हमें शाम को मिलेगी 7 बजे या 6 बजे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम निकलते हैं सीधा वहाँ, नाश्ते वगैरह करके। ये नाश्ता वगैरह, लाइट पता नहीं, लाइट एकदम जान ली। ओह देखो आ गई, लो ये लाइट भी आ गई। हमने समझा था चाय के पैसे भी। धूप में खड़ी है भाई गाड़ी। निकले भाई निकलो। होए होए होए, बड़ी गर्मी है यार, आग लगी बड़ी अंदर, समझ रहे हो? चले आ जा। ओए हो यार, बहुत गर्म गाड़ी है, इसमें आग लग रही है। हम एसी से उठ के आए हैं, ऊपर ठंड लग रही थी इधर, भाई आग लगी खड़ी है, धूप असल में यहाँ सीधी आ रही है। ठीक है, निकलते हैं कुछ ज्यादा है। अच्छा यार, पिछली बार मैंने यही समझा था कि यार गुजरांवाला कोई मोटरवे या कोई ऐसा सीन नहीं होता, लेकिन इस बार मैप मोटरवे से लेके जा रहा है, हमें पता ही नहीं था भाई। अब हमें ये भी कंफर्म नहीं है जा कहाँ रहे हैं, लेकिन मैप तो गुजरांवाला का है और मोटरवे सही है यार, गुजरांवाले जा रहे होंगे। एम टेक तो है अपना, लेकिन कैश नहीं है। सलाम अलैकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो यार? मोटर वे गुजरांवाला जाती है। पहले मैं गया था जीटी रोड से, मोटर वे का पता ही नहीं, अब ये जी मोटर वे लेके जा रहा है। टोल प्लाजा एम टेक लो बैलेंस। कितने पैसे हैं? यार आवाम कैमरा ऐसे देखती है जैसे अल्लाह माफ कर मैं कोई टकेटी कर रहा हूँ। लो जी, हम पहुंच आए हैं गुजरांवाला, नहीं KFC। रास्ते में नजर आ गया भाई, मेरे से गुजरा नहीं गया, मैंने कहा रुको। हो गया, हम भी ड्राइव थ्रू खेसू थू। वालेकुम सलाम। एक्सट्रीम ड्यू बॉक्स कर दे, और इसके अलावा सर? इसके अलावा कुछ नहीं, ये आपने फ्रेश देने, बिल्कुल मतलब निकला हुआ ठीक है। नेक्स्ट स्लिप तो उसने दी नहीं है। ऑर्डर लेना है? ऑर्डर लेना है। बड़ी देर लगा दिया यार, सर मेरा फ्लो है और स्टाफ कम है हमारे पास। फ्रेश है ना? जी जी बिल्कुल, उठा ले यार। ये आपकी पेमेंट है? एक
कोई आपने बकाया नहीं लिए थे? याद ही नहीं है मेरे को। और इसको इधर रख, इधर इसको इधर रख, एक पाउच उठा ये ले। थैंक्स ब्रो। यार ये हमने ऑर्डर करवाया है, उसने ना स्लिप हमें नहीं दी थी, स्लिप हमें मिली है, उसमें लिखा हुआ है वो बकर वाइट सिविक। ब्लैक सिविक तो है, चलो मतलब यार कुछ भी हम सिविक लेके घूम रहे हैं भाई, इतना पैसा लगाया भाई यार सिविक तो कैसा पैसा सिविक है, सिविक है। हाय हाय यार ये कैमरे को पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये यार बहुत ही गंदा रोड था वो, तेरी जंप चक्कर नहीं लगती, लगती नहीं है यहाँ पे। ये कैसे लगी ऊपर नहीं की हुई थी, बस सही है पागल ठोकता है बस। One hour later. फाइनली गाइज वर्कशॉप पे पहुंचे हैं गुजरांवाला, जिस भाई ने इसकी फिटिंग दोबारा से करनी है, मतलब ये कह रहा था कि प्रॉपर इसको उतार के इसकी दोबारा करेंगे। कहाँ बैठा है उस्ताद? किधर है? भाई जान, भाई जान काफी आवाम खड़ी हुई है वेटिंग में हमारी। हाँ वेटिंग में नहीं खड़ी। सर जी क्या हाल है? अल्लाह का करम है, ठीक है अभी। सर जी बिग फैन यार, बहुत ज्यादा दलील, बहुत अच्छा रहा है। जो मेरे साथ बैठा ना उसको मैंने बिठाया इसलिए हुआ, रिमोट पकड़ के अभी वो देख लो। बाली भाई हमें नहीं समझ आती, बैक व्हील इसके फिट है, मतलब बैक व्हील जितना खड़ा करे ना उतना ही होता है, ये आगे आगे से बैठ जाती है, जंप जंप लगते हैं, मतलब One hour later. अली भाई मेरी बात सुने, इधर जरा आवाम को बताएं कि यार ये फ्रंट से क्यों मसला आ रहा था, कैसे आ रहा था, क्या वजह, क्या सीन है, पूरा डिटेल सारा बताएं, पीछे से सही बैठ नहीं रही है, आवाम को सारा बताएं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ यार इसके ये जो हार्ड पैपिंग है ना जी, असल में इसको ये हमारे पाकिस्तान में जिस तरह घर में आप वो पानी वगैरह की लीकेज बंद कर उसके लिए हम टेफलन वगैरह ये यूज करते हैं। हाँ जी, इसमें टेफलन वगैरह का कोई काम नहीं है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता, आप जितनी मर्जी इस पे लगाओगे ना इससे इससे लीकेज खत्म नहीं होगी। इसके लिए एक खास किस्म का सोल्यूशन होता है जो एयरबीएफटी अपनी किट के साथ जो आपने मंगवाया है, मतलब जो हमने मंगवाया। अच्छा मैंने अली भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने ये भी सुना है कि यार ये उस्ताद कह रहे थे कि यार ये हिलती है ना बेसर लगता है इसलिए लीकेज हो जाए। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, इसका कोई सीन नहीं होता ना, वही मैं बड़ा मुझे ऑकवर्ड हुआ। अच्छा ऐसा हो तो फिर हमें सस्पेंशन इंस्टॉल करने का क्या फायदा, जब हमने ड्राइव करनी है ये तो हिलता रहेगा ना। अच्छा आप बोलें अब बात, तो इसको हम दोबारा इसको सारा इसको ओपन करेंगे इसको, फिर इसके दोबारा हम इसकी सारी सफाई करके इसके साथ सोल्यूशन लगा के इसमें हम इंस्टॉल करेंगे, साथ आपको दिखाएंगे इस तरह किसमें कैसे हमने इसको सोल्यूशन लगाया, किस तरह इसकी लीकेज इंशाल्लाह हम इसकी कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप गाड़ी खड़ी करोगे, उम्मीद है ठीक हो गया, बाकी साथ साथ आपको दिखाते हैं यार जैसे जैसे काम होता है आसान आ रही। One hour later. अच्छा, ये वाला आपने लगाया, इसकी रिंग को आपने नीचे लगाया, अब इसके ऊपर हमारी ये वाशल आएगी, वाशल आएगी। अब ये देख रहे हैं, अब नीचे वो रिंग की स्पेस आ गई है, स्पेस आ गई। अब जब हम इसके ऊपर हमने इसकी ये फिटिंग बनाई है, ठीक है, अब बोर्ड की फिटिंग बनाई, अब हमारा ये बैरिंग इंस्टॉल होगा, हैवी हो गया। अब इसके ऊपर हमारा बोर्ड लगेगा, अब ये टाइट होगा, रिंग भी बैठ जाएगा और इंशाल्लाह लीकेज भी निकलेगा। इसके ऊपर फिर हमारा ये इंस्टॉल होगा, फिर इसको फुल मतलब तरतीब से जैसे वो जेन्युइन जैसा ओरिजिनल आता है लेवल हो गया यार। फिर ये फिटिंग होगी, फिर इसके ऊपर हमारा बोर्ड लगेगा। हैवी हो गया यार, देखो भाइयों आप, भाई प्रॉपर फिटिंग, ये उसने रिंग के बगैर किया हुआ था, इतने से गैप की वजह से सारा जिंदाला दौड़ी थी, अब इंशाल्लाह नहीं होगी, ये अली डॉन ने ओके कर दिया है।
5 minutes later. Assalamu alaikum. Naab Fakhre Gujra wala bhai. Kya hal chal hai? Theek hai. Tabiyat sab theek hai apni? 5 minutes later. ये इब्राहिम भाई आ गए थे वहाँ पे। ये अब हम आ गए इब्राहिम भाई की फैक्ट्री पे। जब तक गाड़ी रेडी नहीं होती तब तक इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। सही है फिर। 5 hours later. यार ये भाई की फैक्ट्री में आया लेकिन यहाँ भी लाइट चली गई। इब्राहिम भाई अब कहाँ जा रहे हैं? ब्रदर हम जा रहे हैं वजीराबाद। वजीराबाद लाइट है। सही हो गया। 5 minutes later. जैसा तुम लोगों को पता है बिलाल नमाज है। जैसा तुम लोगों को पता है गाड़ी का हमारा काम हो रहा है तो हम फैक्ट्री आए थे वहाँ लाइट चली गई थी। फिर अब हम वहाँ से आए खाना वगैरह खाने हमें ज्वाइन नहीं किया इब्राहिम भाई। भाई जान इब्राहिम भाई ने ज्वाइन किया। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है भाई सी। ये भाई भी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। ये इनके दोस्त हैं ये भाई। ये तलवीर बस यार बाकी गाड़ी अभी रेडी हो जाएगी। इसके बाद जाके आपको गाड़ी वगैरह दिखाते हैं। जो मसला था सारा सॉल्व हो चुका है। एक साइड का हो गया था उसको समझ आ गया था क्या है। एक उसका रिंग का मसला था वो दूसरा भी मेरे ख्याल में हो गया। बस अब यहाँ से जाते हैं वो हुआ होगा नहीं उसके बाद दिखाते हैं। अच्छा यार जो होना था वो तो हो गया। गाड़ी शाड़ी लग गई है कोई मसला नहीं। गाड़ियाँ लगती रहती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी लगी है। दरवाज़ा वगैरह जो इसका है ना बिल्कुल ही मतलब अंदर से उस साइड से डेंट में आ गया।